ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बॉलीवुड स्टार एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान पर धार्मिक सौहार्द का नुकसान पहुंचाने को लेकर बनाई गई वीडियो की वजह से एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो थे जो बेहद ही आपत्तिजनक हैं और इन वीडियो को धर्म के नाम पर अलग अलग ग्रुपों में बड़े पैमाने पर भेजा गया है। इस वीडियो से लोगों में नफरत फैलाने को लेकर एजाज खान पर केस दर्ज किया गया है। एजाज खान पर आईपीसी की धारा 153A 34 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एक्टर एजाज खान ने क्रिएटेड एंड अपलोडेड सम वीडियोस व्हिच हैव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एंड मेनली प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड ऑल्सो क्रिएटेड हेट्रेड अमंग पब्लिक एट लार्ज। झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी की मौत पर टिकटॉक पर भड़काऊ वीडियो बनाने के आरोप का सामना कर रहे टिकटॉक के 07 ग्रुप का समर्थन करने का भी आरोप है। इस ग्रुप पर मुंबई पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस 07 ग्रुप के लड़कों के समर्थन में एजाज खान उतर गए थे और एजाज खान ने इन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर टिकटॉक वीडियो बनाया। एजाज खान ने फैजू के साथ ऐसे कई वीडियो बनाए जो दो समुदाय में नफरत और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के श्रेणी में आते हैं। एजाज खान 07 ग्रुप के एक सदस्य के साथ वीडियो बनाते हुए नजर भी आए हैं। एक वीडियो में मुंबई पुलिस की मजाक भी उड़ाते हुए देखे गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर एजाज खान की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इस मामले की जांच आगे कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।